अच्छा हुआ अभी रिकॉर्डिंग का याद आ गया, नहीं तो पूरा बिना रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम हो गया ये चीज, तो मुझे बताओ ये सारे जगह का एक्सेलरेशन जीरो हो गया, सारे जगह का एक्सेलरेशन सपोज मैंने जीरो कर दिया, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा सब जगह पे? जीरो। तो मुझे तो जी पहला इक्वेशन क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? N1 इज सारे इक्वल इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। N1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी पहले में? N टेन। N N सेकंड में क्या आएगा, N2 की वैल्यू किसके कितने के बराबर आएगी? N1 N1 प्लस फोर्टी प्लस N1 फोर्टी प्लस 40, राइट? ठीक है, तीसरे में क्या हो जाएगा, N3 की वैल्यू कितनी कितने के बराबर आएगी? N3 N इक्वल टू टू कितना होगा? प्लस एटी N2 प्लस एटी एटी 80। ठीक है, और मुझे तो N4 की वैल्यू किस कितने के बराबर आएगी? N3 प्लस प्लस 100 N3 प्लस 100। सिंपल सी बात है ना, मैंने तुमको बोला था ना, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स दोनों नीचे के डायरेक्शन में, तो इन दो फोर्सेस को ऐड करेंगे, इसके साथ इक्वल करेंगे, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, और तुम लोग ने सबने मेरा स्केलर वेक्टर का भी वो इवन वो मतलब सब कुछ देख लिया, रिकॉर्डिंग्स देख लिया होगा ना, जिन लोगों ने मतलब अटेंड नहीं किया है? यस हाँ, सर, मतलब रिकॉर्डिंग पूरे के पूरे देख लो, इवन डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस भी अभी देख लो। ठीक है, नोट्स बनाओ, उसके भी ऊपर मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, अपना पिछले पिछले हफ्ते में किसी दो तीन लेक्चर मैंने लगातार लिया था, अभी एक्स्ट्रा लेक्चर अभी लगा के उसको खत्म कर लेंगे। कैलकुलस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कैलकुलस हो गया सर देख के। हाँ, नहीं, जिन लोगों का नहीं हुआ है, कैलकुलस के मैंने चार रिकॉर्डिंग भेजे आपको, मतलब चार लेक्चर के रिकॉर्डिंग है, वो भी देख लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको काइनामेटिक्स का कैलकुलस पार्ट करना है, वो भी अंदर ही अभी एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के शाम को वगैरह कैलकुलस का काइनामेटिक्स पार्ट करूंगा। ठीक है, उसके पहले आपका कैलकुलस भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आया, बस N1 की वैल्यू 10 यहाँ पे डाल दो और सबकी वैल्यू आपको मिलती जाएगी, मतलब यहाँ पे सब कुछ डाल दोगे तो तुमको यहाँ पे N2 की वैल्यू मिल जाएगी 50, N2 50 यहाँ पे डाल दो, N3 की वैल्यू मिल जाएगी 130, 130 और 100 230, तो ये सब कुछ न्यूटन, सब कुछ न्यूटन में आएगा, तो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा कौन सा वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला होमवर्क का क्वेश्चन। जिनका नहीं आया है गाइस, ये करके वापस सब, मतलब उसको अंदर जाके सबमिट कर देना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताओ, 2 kg 3 kg यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लगाया मैंने? इधर लगाया ना, कितना लगाया मैंने फोर्स का, वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन है। अब यहाँ पे देखो नक्षत्र, कैलकुलस देखना है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम में बोल रहा हूँ आपको, 4 से 5 दिन। ठीक है, थर्सडे या फ्राइडे तक पूरा का पूरा दिख के आपका हो जाना चाहिए। मैंने 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लिया मैंने N1, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या लिया था मैंने, नहीं सॉरी, कौन सा नॉर्मल फोर्स का कितना कितना लिया था मैंने, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिया था बताओ सर? 2 kg के नीचे N1 था, 3 kg के नीचे N2 था, उन दोनों हाँ के बीच में N3 था और टू हाँ केजी के लेफ्ट में N4 था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे N1 N2 N3 N4 ऐसा मैंने दिया था, राइट? अब मुझे बताओ पहले 3 kg का FBD बनाता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक को ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा 2 kg, क्योंकि FBD बनाना है तो मुझे अलग अलग से पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा 2 kg, ये हो गया मेरा 3 kg। ठीक है, अभी मैंने अलग अलग से ड्रॉ किया। अब मुझे तो 3 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस आएंगे? ठीक है, श्रुति बता 3 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस आएंगे 3 kg के ऊपर? 3 kg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन MG इज 30 न्यूटन। ओके, उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है N2, लेफ्ट से आ रहा है 10 न्यूटन एंड सॉरी राइट से आ रहा है 10 न्यूटन एंड लेफ्ट से N3 उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक तो सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो तो द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो N2 इज इक्वल टू 30 एंड N3 इज इक्वल टू 10। गुड, चलो, तो मतलब 3 kg का FBD में क्या किया अपन ने, 3 kg के FBD में मैंने दो फोर्सेस को ड्रॉ किया, N2 ऊपर आ गया, 30 नीचे आ गया, और 3 kg को देखो, मुझे बताओ 3 kg को कौन कौन पुश कर रहा है? आयुष, 3 kg को कौन पुश कर रहा है? 10 न्यूटन ऐसे कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक फोर्स डाल दिया 10 न्यूटन, ऐसे हो गया। ठीक है, मुझे बताओ 3 kg को ऑन कौन और कौन पुश कर रहा है? 3 kg के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है? 2 kg है ना, तो 2 kg पुश कहाँ पे कर रहा है? राइट साइड में। और 2 kg 3 kg के अंदर कौन सा फोर्स है अभी? N3। N3 तो बस N3 से पुश करेगा वो, तो N3 से पुश करेगा, इधर खत्म बात। तो अब दोनों का एक्सेलरेशन जीरो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस भी लिखना है और अलोंग क्या लिखना है? Y एक्सिस। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 30। 30, और यहाँ पे N3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 10
10 तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ध्यान में रखना क्योंकि दोनों जगह पे एक्सेलरेशन 0 है न्यूटन फर्स्ट मतलब मोमेंट मतलब इनर्शिया लॉ ठीक है अब 2 केजी देखो अब मुझे तो 2 केजी को कौन-कौन पुश कर रहा है पहले तो पहले सबसे सिंपल ठीक है जिसको मैं बोल रहा हूं वो बोलेगा देव बता भाई देव त्रिवेदी भाई तेरा आवाज नहीं आ रहा है तेरा आवाज नहीं आ रहा है एक मिनट दूसरा कर लेते कोई प्रणय और ऊपर N1 ओके फिर 3 केजी लेफ्ट में पुश कर रहा है तो N3 इस साइड लेफ्ट हाँ और फिर N4 ऑपोजिट साइड बस देखो ध्यान में रखना 2 केजी को मुझे तो 2 केजी को 10 न्यूटन पुश कर रहा है क्या नहीं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या डायरेक्ट कांटेक्ट देखो 2 केजी के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है 2 केजी है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है N3 हाँ एक तो N3 मतलब 3 केजी है और वॉल है तो 3 केजी उसको यहाँ पे पुश कर रहे तो N3 इधर N4 इधर तुमको ये बहुत समझना जरूरी है कुछ लोगों ने यहाँ पे 10 न्यूटन ऐसा लिखा होगा जो गलत है नहीं हो सकता 10 ऐसा नहीं डालेंगे क्यों क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है क्या ध्यान में रखना मैंने क्या बोला था डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे वही पुश करेंगे तो 2 केजी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है 3 केजी उसको पुश करेगा कितने से इन दोनों के अंदर का फोर्स कितना है N3 एंड N4 देखो तो N3 इधर आएगा N4 इधर आएगा खत्म पुश करना ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने फटाफट यहाँ पे लिख दिया N1 की वैल्यू हो जाएगी 20 और N3 की वैल्यू हो जाएगी N4 कोई दिक्कत है इसमें बस तुम्हारा आंसर आ गया तुम्हारा तो N4 की वैल्यू भी 10 न्यूटन आ गई ठीक है हाँ कुशल बोल कुछ डाउट है तुझे हैंड रेस किया हुआ है ठीक है हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो थे दोनों क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं कि ये मतलब नीट टाइप के क्वेश्चंस होंगे अब उसी में जेई क्वेश्चन आ गया ठीक है अब ये क्वेश्चन जो है मुझे होता है इसमें कितना क्या क्या दिया था यहाँ पे क्या क्या दिया था यहाँ पे मास 4 केजी था और इसके अंदर का एंगल कितना था 60 डिग्री ओके ये 60 डिग्री था और ये 90 था yes. ये एक वॉल थी और ये एक वॉल थी ठीक है तो अब मुझे बताओ गाइस मैं अभी ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पे बताऊंगा ठीक है चलो अक्षय तू बता यस सर सर जो N1 और N2 जो कहाँ पे N1 N2 था लेकिन N1 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 4 केजी मास ओके ये N1 था इधर N2 था ओके यस सर सो पहले तो हमें एक्सेस डिफाइन करने पड़ेंगे सो आई हैव डिफाइंड द एक्सेस एज N2 इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड N1 इज N1 के दो कंपोनेंट्स निकाले सो एक मिनट क्या बोल रहे हैं सो एक्सेस डिफाइन किए N2 इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड N1 के दो कंपोनेंट्स निकाले सो जो एंगल चाहिए मुझे एंगल विद द वाई एक्सेस ऑफ N1 इज 30 डिग्रीज So, उसका x y component is n1 cos 30 और इसका y component is x component is n1 sin 30 so n1 sin 30 would oppose n2 बराबर ठीक है ओके तो अब नहीं हो गया अक्षय सही है ठीक है गाइस इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं बताता हूँ क्या इसमें ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ज्योमेट्री अच्छा है ना गाइस वो बहुत फटाफट करेगा इसको देखो ये 4 केजी है अब 4 केजी का FBD इसका ना सपोज आपको अभी सॉल्यूशन समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है आप सॉल्यूशन बाद में देख सकते हो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है इवन स्क्रीनशॉट लो और खुद से घर पे करो क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेने का और खुद से घर पे करने का वापस और खुद से करने का सारा एंगल खुद से ढूंढने का पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा अपना MG 40 डाउनवर्ड ठीक है अब यहाँ पे ये जो वॉल है ये वाली वॉल है उसको कहां पे पुश करेगी इधर पुश करेगी कितने से पुश करेगी N2 से तो मैंने यहां पे N2 लिख दिया ठीक है अब मुझे बताओ ये वाली वॉल कहां पे पुश करेगी इसको देखो परपेंडिकुलर है ना तो एक्सिस में मतलब यहां पे कहां पे पुश करेगी तुम देखो ना यहां पे जो इस लाइन के अक्ष अलोंग हो सकती है वो
तो यहाँ पे मैंने लगता है इनके N1 से पुश करेगी। तो पहले तो मुझे बताओ ये ऐसा मेरा हो गया मतलब N1 N2 N40 इतना समझ में आया तुमको? Yes. पंगा क्या पता है इसके अंदर का एंगल ढूंढना वो तुम्हारे लिए पंगा हो सकता है। तो एंगल ढूंढने के लिए क्या करना पता है क्या? देखो यहाँ पे ये मैंने सपोज एक एक्सिस बना दी ऐसे, ये मैंने एक सपोज एक्सिस बना दी ऐसे, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे मैंने एक्सिस बना दी। अब पंगा क्या है कि ये एंगल है कितना, कोई सपोज ये बोल पाया मेरे को कि ये एंगल कितना है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला 30 डिग्री, देखो गाइस मैं वापस बता रहा हूं, करंट कुछ नहीं, अभी इसका तेरे को स्क्रीनशॉट लेना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मतलब आप लोग बाद में करोगे वापस, ठीक है। एंगल ये हो गया मेरा सपोज एंगल 30 डिग्री, तुम यहाँ पे देखो ना ये 30 डिग्री है, तुमको करना है, देखो बहुत सारे अलग अलग वे है, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 60, तो ये 60 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 60, तो बेसिकली ये कितना हो गया 30, ठीक है। जो मैंने अभी 30 निकाला है गाइज, आपका होमवर्क है, ये 30 क्यू है, ये अपनी बेसिक की 10th की ज्योमेट्री है, ठीक है। तो तुम लोग वो समझ जाओगे, मतलब अभी ना मतलब आप याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुम लोगों को पता है और एक तरीका होता है, तुमको पता ना ग्रेविटी होता है फोर्स, तुमको याद है मैंने तुम लोग को एक चीज सिंपल सी बोली थी, इसको और एक तरीका है, कोई भी ब्लॉक रखा है या कोई भी सपोज ऐसा रखा है, ग्रेविटी फोर्स होता है, तो ये एंगल 30 होता है। तो तुमको पता ना कौन सा एंगल 30 होता है, पता है? एंगल विद वाई एक्सिस। हाँ, एंगल विद वाई एक्सिस 30 होता है, याद है ना, मैंने हर बार बोला है ये चीज, ये 30, तो ये एंगल भी 30 होगा। अब ये सपोज एंगल 30 है, तो मुझे बताओ ये एंगल 30 है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 30, क्योंकि ग्रेविटी है ना यहाँ पे, तो ये 30, तो उसके अपोजिट वाला भी क्या होगा 30, देखना डायरेक्ट हो गया। तो मैंने आपको ना हिंट देके रख रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे एंगल्स की हिंट देके रख रहा हूँ, थोड़ा सा उसको जाके ना आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट N1 के होंगे, एक होगा N1 का कौन सा कंपोनेंट, ये कौन सा होगा N1 cos 30, और ये वाला N1 का कौन सा कंपोनेंट होगा N1 sin 30। बस अभी काम खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे N1 को भूल जाने का, N1 का कुछ काम ही नहीं है, तो N1 cos 30 should be equal to क्या हो जाएगा? देखो अच्छा क्वेश्चन हो गया, N1 cos 30 is equal to 40, मतलब एडवांस टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन इसको, और N2 की वैल्यू मतलब आपके लेवल के लिए अभी के लिए एडवांस का क्वेश्चन, क्योंकि आपका लेवल भी कम है, तो N2 is equal to क्या होगा N1 sin 30, ये था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करो, अब आंसर निकालो गाइस, होमवर्क है तो इसको होमवर्क ही रहने दो, नहीं समझ में आया तो लेक्चर के बाद इसको, ये जो इसका स्क्रीनशॉट अभी लेके रखा, आप स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका, खुद से सॉल्व करो लेक्चर के बाद, और ये इक्वेशन जो मैंने लिखा हुआ है वो आपका आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब तक मैंने कौन सा फोर्सेस देखा, यहाँ पे ऊपर तक ग्रेविटी एंड नॉर्मल, अब यहाँ पे मैं देखूंगा टेंशन, टेंशन ऑलवेज व्हाट, टेंशन ऑलवेज पुल, पुल। तो अब मुझे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मैंने कौन से टेंशन दिए थे, एकदम ऊपर T1, हाँ, तो T1, T2, T3, T4, राइट पर T5, ठीक है। अब एकदम मैं E6 के से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फोर्स लिखता हूँ, 60 नीचे आ जाएगा, देखो टेंशन ऑलवेज पुल, तो T5 कहाँ पे आएगा, ऊपर, ऊपर, इसमें 20 कहाँ पे, नीचे, T4 कहाँ पे, अपवर्ड। अब यहाँ पे मैं चाहिए तो ये बदल देता हूँ, ये 40 नीचे, यहाँ पे T4 कहाँ पे होगा, T4 कहाँ पे होगा, नीचे, और T3 कहाँ पे होगा, T3 कहाँ पे होगा, ऊपर, ऊपर। सब एक ही डायग्राम भाई, क्योंकि आपने किया है इसलिए मैं सब एक ही डायग्राम में कर रहा हूँ, आप समझाओ, ठीक है, समझ जाओ। अब यहाँ पे और कौन सा फोर्स है, यहाँ पे 80 कहाँ पे आएगा, नीचे, नीचे, T2 कहाँ पे आएगा, ऊपर, ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बाजू में, यहाँ पे जो T3 आएगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे, नीचे, और यहाँ पे T5 जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे,
नीचे। तो गाइज थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, मतलब इसीलिए कभी भी फ्री बॉल डायग्राम बनाना होता है, मतलब 8 केजी को अलग से ड्रॉ करो, 6 केजी को अलग से ड्रॉ करो, 4 केजी को अलग से ड्रॉ करो, अब वो तुमने किया होगा राइट। तो अब मैं वो नहीं करता, अभी टाइम जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे ये 20 नीचे, इसमें क्या करेंगे अपन, T2 नीचे और T1 ऊपर। तो सारा अपन अभी FBD का इक्वेशन लिख देते हैं, सबका मैं FBD का इक्वेशन लिखते रखता हूँ ठीक है, चाहिए तो हर एक इक्वेशन लिखता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आएगा T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, T2 plus 20 इसके लिए ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, कौन से फोर्स नीचे, 8 केजी के अंदर, T3 नीचे, T3 नीचे, T5 नीचे राइट। तो 80 प्लस T3 प्लस T5 बराबर, यस सर, यस सर। फिर चलो 4 केजी का लिखते हैं, 4 केजी में कौन कौन है, ऊपर कौन है, T3, नीचे कौन है, T4 plus T4 ठीक है। T2 इसके लिए क्या है, T4 ऊपर, 20 नीचे, इसके लिए क्या है, T5 ऊपर, 60 नीचे। कोई दिक्कत है, सारे इक्वेशन लिख दिया आपने, बस इसमें डाल दो, आपका आंसर आ गया, आया ही होगा आपका आंसर, यस सर, ठीक है। वापस से होमवर्क क्वेश्चन था, बस देख लो और काम खत्म कर लो ठीक है, नहीं आया तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूं मैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी चाहिए तो ये इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को चाहिए था इसका स्क्रीनशॉट। देखो ठीक है गाइस, आगे बढ़ता हूँ, ये हो गया। चलो अब लास्ट का क्वेश्चन कुछ तो बचा था यार, लास्ट का क्वेश्चन क्या था, लास्ट का क्वेश्चन क्या था, 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन था, 30 डिग्री का प्लेन था, उसपे 8 केजी के मास को स्ट्रिंग से टाई किया था ऊपर। ओके ये आ गया क्या, आयुष आ गया क्या तेरा, ठीक है कैसे करेगा आयुष बोल, मुझे तो 8 केजी सर, पहले उसका ग्रेविटी एमजी आएगा नीचे 80, हाँ एमजी आएगा नीचे 80, देखो कुछ भी दिमाग मत लगाओ, पहले 80 तो नीचे आएगा ही अपना ठीक है डाउनवर्ड, उसके बाद फिर सर मैंने उसका कंपोनेंट्स निकाला, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो ठीक है, अरे वो ठीक है, पहले टेंशन मेंशन बता मुझे, टेंशन ये इधर टेंशन है, टेंशन कहाँ पे आएगा सर, अपवर्ड्स टुवर्ड्स द वॉल, हाँ तो ये टेंशन आएगा, देखो यहाँ पे टेंशन आएगा, देखो टेंशन ऑलवेज व्हाट, टेंशन ऑलवेज पुल्स, तो ये स्ट्रिंग उसको पुल करने वाली है। अब मुझे तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स था ना इसके अंदर, तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, पुश, तो पुश कहाँ पे करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, यस सर, वो नॉर्मल वाई एक्सिस होगा, हाँ तो अब मुझे बताओ मेरे एक्सिस कैसे मैं चूज करूंगा, नाउ देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना है इसका, जीरो, जीरो, तो मुझे बताओ एक्सिस यहाँ पे कैसे मैं चूज करूंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन गया सर, इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस होगा और नॉर्मल वाई एक्सिस होगा, हाँ ये हो गया मेरा एक्स, देखो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना। अब मुझे बताओ ये 80 है तो ये एंगल बताओ क्या होगा, ये एंगल बताओ क्या होगा, 30 डिग्री। अब तुमको मैंने बताया था यार वेक्टर में अपन इतना पढ़ रहे थे, एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट इज क्या होता है, cos, ये चीज क्या हो जाएगी, 80 क्या हो जाएगी, 30 cos 30, ये एंगल की उस वाला कंपोनेंट क्या होता है, 80 sin 30, 80 sin 30। अब मुझे बता, देखो मैंने कंपोनेंट ले लिया, आपको पता है ना कंपोनेंट से ही तो वेक्टर बनता है, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो ये दो कंपोनेंट से ये 80 वेक्टर बना, तो 80 का कुछ काम है क्या अभी, नो सर, भाई 80 से दो कंपोनेंट बन गए ना, तो मैंने अपना कंपोनेंट से काम कर दिया, मैंने आपको बोला था ना सपोज एक मेरा ए वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर बनेगा सपोज ए एक्स वेक्टर से और ए वाई वेक्टर से,
तो बेसिकली ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स वेक्टर प्लस क्या होता है ए वाई, तो दो वेक्टर से ए वेक्टर बन गया, तो आइदर तुम ए वेक्टर लिखो नहीं तो ए एक्स प्लस ए वाई दो वेक्टर लिखो, दोनों सेम ही चीज होती है। जब मैं ए एक्स एंड ए वाई लिखूंगा तो ए को लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्ट दो। अब कंपोनेंट देखो, ये सब कुछ चीज क्यों करते अपन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो वेक्टर्स का काम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हो गया मेरा काम, एक्सेलरेशन जीरो है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जीरो है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जीरो है, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जीरो है, अलॉन्ग क्या है वाई एक्सिस भी जीरो है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 80 sin 30। हाँ, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 sin 30, इक्वेशन नंबर क्या आएगा 1। और यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगा 80 cos 30। मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आया तुमको क्यों लिखा? यस यस सर। ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन था, ये मेरा लास्ट का होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप लोग ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए, जिन्होंने सबमिट, मतलब मैंने शायद से फ्राइडे थर्सडे बोला, सबमिट कब करने को बोला था, फ्राइडे आज संडे जब आपने जो भी है आज इनको ही करके वो खत्म कर दो, ठीक है। जिन लोग का हुआ है, और सिंपल जिन लोग का नहीं हुए थे क्वेश्चन, अब खुद से वापस करो क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि मैंने सोल्यूशन बता दिया आपको आ गया, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लेके रखो, खुद से करो और फिर चेक करो कि आपका सही है कि नहीं है, मतलब खुद से हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, जिन लोग का मैथ्स वीक है, खास करके नीट वालों का, खास करके नीट वालों का मैथ्स वीक होता है, तो उन लोग के लिए ना थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट जाएगा। तो आपको क्या करना है, अलग से वापस उसको सॉल्व करके देखने का कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपकी तरक्की होगी, ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार फोर्थ वाला दिखाओ ना स्क्रीनशॉट। ठीक है, भाई वाकड़े वाले सब हैंडल्स करो, वाकड़े वाकड़े के कितने यहां पे हैं एक बार हैंडल्स करो। ठीक है, वो कर लो, समझ में आ रहा ना तुमको गाइस? चलो अब आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छा वाला चीज, आपको आज भी मजा आएगा, ठीक है, आज भी थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, क्योंकि ये देखो ये जो होता है ना हर एक चीज एफबीडी के ऊपर ही, आपको डायग्राम बनाने, मतलब डायग्राम बनाने को आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो, चलो अब मैंने आपको, मुझे बताओ जो भी मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, यहां पे सब जगह पे थर्ड लॉ तो आपको दिख ही रहा है, देखो ना यहाँ पे थर्ड लॉ दिख नहीं रहा है क्या आपको? ठीक है ना, यहाँ पे टी फोर इधर सब एक्शन रिएक्शन, लेकिन एक्शन रिएक्शन किस किस के ऊपर आ रहा है, अलग अलग बॉडीज के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन तो दिख ही रहा है, फर्स्ट लॉ मतलब क्या, नेट एक्सेलरेशन जीरो ही यहाँ पे, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ था सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं भगवान वाला लॉ, भगवान मतलब अपना न्यूटन अपना भगवान था सबके लिए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का अपना सेकंड लॉ था, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, अब इस लॉ को मैं क्या बोलता हूँ, देखो इस लॉ को एफ नेट, नेट फोर्स मतलब अपन रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं इसको, कभी कभी रिजल्टेंट फोर्स भी बोलेंगे, तो रिजल्टेंट का मतलब ही होता है नेट फोर्स। ठीक है, एफ नेट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है वो, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ध्यान में रखना यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास लिखता हूं, सीओएम का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। ये कब काम में आता है पता है, कि लेट्स से मैंने एक बॉडी को ऐसा किया, ये एक ये सपोज एक ऐसा बॉटल है, ठीक है, मुझे होता है जब बॉटल वगैरह है तो बॉटल को ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? अपन क्या करते हैं, लेट्स से 2 kg था, ये 4 kg था, क्या करते थे याद करो अपन, फोर्स कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फोर्सेस कहाँ पे ड्रॉ करते हैं,
सेंटर से ड्रॉ करते हैं, सेंटर से तो डाउनवर्ड होता है, नॉर्मल फोर्स ऊपर होता है, तो वी डोंट केयर अबाउट बॉडी का शेप एंड साइज. मैं इस सेंटर से ड्रॉ करता हूँ, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. सेंटर ऑफ मास का एग्जैक्ट चीज आपको बाद में मैं बताऊंगा, एक दो महीना आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये डरो मत, ये सेंटर ऑफ मास का मतलब, सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि यार बॉडी का शेप एंड साइज मैटर नहीं करता, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास अपन बाद में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली कहाँ पे होता है बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ठीक है. तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है. अब मैं क्या करूंगा पता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है. एक मिनट रुको भाई. F net, F is equal to क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. अब इसको अपन थोड़ा सा ये कर लेते, इसको अपन थोड़ा सा ये कर लेते, एग्जाम्पल वन. अब मैं ना अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको पढ़ा दूंगा. एकदम एकदम सिंपल सी चीज है भाई, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, कोई दिमाग नहीं लगाना है. देखो कैसे कैसे करना है, ठीक है. फटाफट फटाफट देखते जाओ, मतलब मैं अलग अलग एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, आप फटाफट फटाफट देखते जाओ. जैसे ऐसा पकड़ लो, ये कुछ 4 kg का मास है, और 4 kg के मास के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 12 newton इधर. अब 12 newton फोर्स यहाँ पे लगाया, मुझे बताओ ये 4 kg मास जाएगा कहाँ पे, कहाँ पे जाएगा? राइट साइड ना. कोई भी लोग को आदमी बता देगा भाई कि 12 newton, जो आदमी मतलब जो साइंस नहीं पढ़ रहा है वो भी बताएगा भाई राइट साइड जाएगा, ठीक है. तो अब मुझे बता राइट साइड जाएगा, तो उसका ना एक्सेलरेशन कभी भी बाजू में लिखने का. देखो एक्सेलरेशन कभी भी बाजू में साइड में लिखने का, इसका एक्सेलरेशन होगा ये ए. अब मुझे तो इसके एफबीडी में और कौन से फोर्सेस आएंगे बताओ, और कौन से फोर्सेस आने वाले? नॉर्मल एंड ग्रेविटी. हाँ, तो ग्रेविटी नीचे, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे? ऊपर. और 12 जो है 12 newton यहाँ पे हो गया. अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन यहाँ पे जा रहा है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? जीरो. जो दिख रहा है वही है ना, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, जो की ए लिखा मैंने, तो मैं ax भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ax लिखो या a लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी a लिख देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? F is equal to, जब मैं m लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे लिखने का, मैंने क्या बोला था, F net is equal to mass into acceleration, बराबर. अब मैंने अलाउ, अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो, ठीक है. मैं ये अभी एक बार, मैं 2-3 बार लिखूंगा, बाद में बात नहीं लिखूंगा. F net, इधर एक ही फोर्स है, कौन है वो? 12 is equal to mass. Mass कितना है? 4 into acceleration. 8 की value कितनी आई? 3 meter per second. 3 meter per second square में answer आ गया. ये example 1 आ गया. अब मुझे बताओ, इसी में मैं थोड़ा सा अभी इसको modify करता हूँ. देखो modify करते जाऊंगा और question थोड़ा सा difficult बनते जाएगा, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक 12 newton force लगाया आगे, और मैंने एक 4 newton force लगाया पीछे. ये 12 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है. अब मुझे होता बॉडी कहाँ पे जाएगी? 8 right hand side जाएगी भाई, क्योंकि 12 बड़ा है, 4 है, तो एक्सेलरेशन तो इधर होगा इसका. और एफबीडी में कौन से फोर्सेस आएंगे? 40 कहाँ पे आएगा? नीचे. नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा? ऊपर. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है क्या? नो, नहीं है. तो पहले तो मेरा इक्वेशन देखो. हाँ, इसका भी इक्वेशन में लिख के रखता हूँ. ये इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बेवकूफ वाला इक्वेशन है, वो अपने को जरूरत नहीं है. n इज इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 2 है, लिख के रखा मैंने, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा. हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा. मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये वेक्टर है, तुमको पता ही है ना यार, ये 12 i कैप होता है, ये क्या होता है?
लिखने की जरूरत है क्या? प्लस एंड माइनस साइन ऐड करना है, ये 12 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। देख अभी एक रूल, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स क्या लेने का? हमेशा पॉजिटिव। उधर का फोर्स पॉजिटिव लेने का। चलो यहाँ कोई फोर्स पॉजिटिव ले लिया तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? 12 माइनस फोर नेगेटिव, तो 12 माइनस फोर, ये होगा मेरा नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4 इनटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 8/4 मतलब कितना? 2 मीटर पर सेकंड। और नॉर्मल फोर्स की यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आएगी 40। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत? चलो एग्जाम्पल 1 का मैं ए पार्ट एंड बी पार्ट करता हूँ, ये ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब एग्जाम्पल 2, अब ध्यान में रखो, मैं बाद में लिखने के लिए दूंगा, यहाँ पे पहले देखो सब लोग। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वही सेम 4 kg ब्लॉक। अब मैंने फोर्स कहाँ पे लगाया? देखो अब मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं खींच रहा हूँ, बॉडी को कैसे खींच रहा हूँ? ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, लेट्स से 20√2 न्यूटन है, और लेट्स से ये एंगल लेता हूं मैं 45 degree, और यहाँ पे बॉडी को ऐसा भी खींचता हूं मैं, ठीक है, ऐसे भी खींचता हूं मैं, लेट्स से 4 newton। अब मुझे बताओ बॉडी कहाँ पे जाएगी, क्या करना पड़ेगा, कितने फोर्सेस है यहाँ पे? वापस 2 forces है। रिजल्टेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। रिजल्टेंट वेक्टर से मत करो, रिजल्टेंट अभी वो हो गया काम, अपन का सबसे इंपॉर्टेंट आई कैप जेकब मतलब कंपोनेंट्स। मतलब क्या भाई? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अलग से सॉल्व करनी होती है ना। तो बेसिकली मुझे बताओ 20√2 है, तो कौन सा फोर्स आएगा 20√2 का? ये पहले कंपोनेंट क्या होगा मुझे बताओ? 20 आई कैप प्लस 22। हां मतलब आई कैप बोलो 20√2 cos 45। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 20√2 cos 45। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? 20√2 sin 45। दिक्कत है, मुझे बताओ पहले। अब 20√2 का कुछ काम है मतलब? नो सर। अब और कौन सा फोर्स है? 40 कहाँ पे आ गया? 40 नीचे। 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 और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आ गया? ऊपर। अब बॉडी मुझे बताओ ऊपर जा रही है क्या? नहीं। एक्सिस कितना हो गया? जीरो। एक्स एक्सिस कितना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इधर है ए, ठीक है। मुझे बताओ ये 20√2 cos 45, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये भी कितना हो जाएगा? 20। अब मुझे बताओ 20 इधर है, 4 इधर है, तो मुझे बताओ F is equal to MA के हिसाब से, ठीक है, ये along x axis लगा देंगे अपन, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे F net कितना है? 20 इधर, 4 इधर, 20 minus 4 is equal to mass into acceleration, मतलब 4 into A। कोई दिक्कत है? नहीं। A की वैल्यू कितनी आई? 20 minus 4 4 meter per second। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या आएगा? n is equal to 40। n तो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये n ऊपर है, 20 भी ऊपर है, तो क्या होगा? n plus 20 equal to 40। n की वैल्यू कितनी आई? 20। n की वैल्यू आई 20। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया? ये इक्वेशन नंबर ये 2 आ गया, तो सॉल्व हो गया अपना। कोई दिक्कत है? ये था मेरा अलोंग x एक्सिस, तो ये मेरा x एक्सिस वाला इक्वेशन था, ये मेरा कौन सा था? y एक्सिस। x एक्सिस के दोनों इक्वेशन आ रहे हैं, तो दो इक्वेशन आ रहे हैं, मतलब FBD के दो इक्वेशन आ रहे हैं अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। कोई पंगा है? नहीं। अब एक काम करो, इन तीनों इक्वेशन को फटाफट लिखो, मैं आपको 2 questions देता हूँ, देखते उसको कौन सॉल्व करता है। नक्षत्र समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तेरा आवाज नहीं आ रहा है, छोड़। आवाज नहीं आ रहा, तेरा बहुत अटक अटक के आ रहा है, क्योंकि तेरा नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम। ये फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, 2 minutes दे रहा हूं मैं, समझ के लिखो, उसके बाद मैं 2 questions दूंगा और इसी के ऊपर, धीरे 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 अपना लेवल में बढ़ाते जाऊंगा।
हाँ कई बोले 130 तक हाँ आयुष तू मेरे को मुझे अभी आज एक्चुअली शाम को रात को कॉल कर रात को बता दूंगा तुझे मैं ठीक है ओके सर हाँ बोलो सर एक डाउट था अगर हम लोग 12 न्यूटन और 4 न्यूटन को जो माइनस कर रहे हैं वो भी अगर न्यूटन में ले रहे हैं तो मास हम लोग 4 केजी क्यों लेते हैं वो नीचे जो एक्चुअली द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट शुड बी 40 राइट मास 4 केजी ये 40 है ये 40 मतलब mg होता है वो फोर्स होता है Okay. भूल गई क्या यहाँ पे ये सारे फोर्सेस को ड्रॉ किया मैंने 4 केजी इज मास m इंटू जी इज ग्रेविटी फोर्स सर हाँ बोलो हाँ सर मुझे अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे डिराइव किया वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है अलोंग वाई एक्सिस हाँ क्या कंफ्यूजन है बता पाते इसमें तो अपने n प्लस 20 इज इक्वल टू 40 और n 20 डिराइव कैसे किया वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं उसमें मुझे एक बात बता 4 केजी के ऊपर अभी ऊपर तक अपन ने क्या किया एक नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा और एक 20 फोर्स ऊपर होगा और एक 40 फोर्स नीचे होगा और ये सपोज नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सॉरी इसका मतलब क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन सपोज 0 है उसका हाँ तो मुझे होता है इसमें क्या होना चाहिए सबट्रैक्ट मतलब लेकिन n एंड 20 दोनों पैरेलल है ना तो पहले वो दो ऐड हो जाएंगे तो n प्लस 20 होगा और वो 40 से सबट्रैक्ट हो जाएगा इन शॉर्ट
n plus 20 minus 40 should be equal to kitna hona chahiye? N plus 20 minus 40, 20. Nahi, should be equal to kitna hona chahiye? Zero na? Haan. So equal to zero matlab n ki value kitne aayegi yahan pe? 20. 20 na, to yaar tum ye kyun minus minus kyun dal rahe ho? Tumko pata hai na ki ye n plus 20 jo 4 se upar wala aur niche wala 40, to n plus 20 जब 40 के बराबर होगा तो ही तो ये बॉडी जो है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना अलोंग वाई एक्सिस। हां ओके ओके, तो एन की वैल्यू 20 आ जाएगी। नहीं समझा? समझा समझा सर। ऊपर वही तो कर रहे हैं अपन, जो ऊपर का इक्विलिब्रियम किया अपन ने, ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले थे, राइट? यस। हां तो इसमें अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी मूव कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस इक्विलिब्रियम में। सर समझा मुझे। ठीक है प्रणय, हैंड रेज कर ले फिर। ठीक है चलो क्वेश्चन पूछूं मैं अभी आगे का, लिख के हो गया आपका? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है अब मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे, पहले बताओ कि क्या है इसका आंसर क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक किया, वरुण वरुण रोकानी, वरुण। यस सर। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके अब यहाँ पे देखो 4 केजी का बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया वापस यहाँ पे कुछ 40√2 न्यूटन का, कितना? 40√2 न्यूटन, एंगल है 45 डिग्री। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, ये लगाया मैंने 20 न्यूटन का ऐसे। बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स। इसमें क्या पूछा हुआ है मेरे को? एग्जाम्पल 3 ले लेते इसको, फाइंड एक्सेलरेशन एंड व्हाट? नॉर्मल फोर्स। तो निकालो फटाफट चलो, और मुझे आंसर जो है मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर डालो। ये 40 है, ठीक है 40√2 है। ठीक है एक मिनट दे रहा हूं मैं, एक मिनट दे रहा हूं, निकाल। फोर्टी रूट टू है वो। चलो गणपति का वैसे भी आपको कल छुट्टी मिलने वाला है, अभी एक ही दिन संडे को क्लास है। नहीं संडे को भी नहीं होगा। ओके। जनरली गणपति का मतलब जनरली 3 दिन का छुट्टी, मतलब 2 से 3 दिन का छुट्टी देते हैं, लेकिन अभी क्या है घर पे ही सब बैठे हो। मंडे को भी चाहिए क्या छुट्टी तुमको? हेलो सर। हाँ बोलो तो वो आतिफ सर कल बोल रहे थे कि कुछ सेमिनार लेने वाले हैं, मतलब कैसे हम लोग शेड्यूल प्लान करें, वो कब लेने वाले? कोई तो आशीष सर लेने वाले थे। वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को का वो बताएगा आपको, बता दिया जाएगा। शाम को हमारा लेक्चर है ऑल। नहीं हर एक बैच का होगा वो, नहीं हर एक बैच का अलग अलग सेपरेटली होगा, वो साथ में नहीं होगा। ठीक है चलो, पहले तो मुझे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे ये 40√2 है, ये 20 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे अपन 40√2 ये क्या होगा? 40√2 क्या हो जाएगा? 40 ये 40 और ये भी क्या हो जाएगा? 40 इतना कुछ काम है ही नहीं। ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, अपना नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी को वो कर लेता हूँ। ग्रेविटी कहाँ पे है? ग्रेविटी कहाँ पे? 40 डाउनवर्ड। और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे? ऊपर। अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने इस तरफ दिया, मैंने एक्सेलरेशन को इस तरफ लिया। ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा? 40 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ा, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो नेट फोर्स ध्यान में रखना, हमेशा 40 माइनस 20 नेट फोर्स लिखना होता है, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर?
एन प्लस फोर्टी तो इक्वेशन नंबर टू, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वैल्यू हो जाएगा मेरा फाइव, फाइव. नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो. ठीक है, फाइन. सबका आ गया ये चीज? देखो यस सर. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अब देखते कि इसको कौन सही करता है. इसको जो सही करेगा ठीक है उसको ₹50. टाइम है कि नहीं है? टाइम है ना, मैं टाइम दूंगा ना, अभी दो मिनट का टाइम दूंगा, दो मिनट में. और आंसर जो फर्स्ट डालेगा चैट पे, जिसका फर्स्ट आंसर चैट पे सही होगा उसको मिलेगा. आप लिखते जाओ, पैसा लिखते जाओ, फिर एक साथ ट्रांसफर करूंगा मैं. टाइप करना नहीं जमता. हाँ तो तुम्हारा गलती है भाई, ₹50. फोर के जी. अब यहाँ पे देखो फोर के जी का ब्लॉक है ठीक है. अब यहाँ पे मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ पे 60√2 न्यूटन का फोर्स लगाया. एंगल है 45 डिग्री, ध्यान में रखना एंगल 45 डिग्री है. मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया 20 ठीक है. अब 60√2 का फोर्स ऐसा है, 20 ऐसा है. यहाँ पे वापस मुझे दो ही क्वेश्चन पूछे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड द नॉर्मल फोर्स. फाइंड एक्सेलरेशन नॉर्मल फोर्स, कुछ कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है. 12-11 हुआ है, मुझे 12-13 तक आंसर चाहिए. नहीं, अभी 12 हुआ, चलो 12, मतलब दो मिनट. 12-14 तक मुझे आंसर जो पहले भेजेगा उसको पैसा मिलेगा ठीक है. चैट पे कुछ भी नहीं पूछना है, करो फटाफट. चलो सर डाल दिया. नहीं डाल नहीं, देख रहा हो भाई, मेरे को दिख रहा है. तुम अभी कुछ बोलो मत. डाल दिया. अरे देख रहा हूं मैं, तुम डालते रहो ना, तुम आंसर डालते रहो, मैं देख रहा हूं. डाल दिया. डाल और एक मिनट वेट, मतलब हो गया 12-14 हो गया. अब मैं देख रहा हूं कि किसका आंसर सही है. कोइन ₹50 जीता है, देखते हैं ठीक है. ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो ठीक है. जो भी है 12-14 तक ठीक है, 12-14 तक. देखो मैं आपको बता रहा हूं किन किन लोगों ने सही सोचा है यहाँ पे ठीक है. ओम सुरवे ने सही सोचा है, लेकिन तू 10-14 के थोड़ा से जस्ट बाद में तुमने आंसर दिया ठीक है.
और किसने सोचा है सही? यस सर। और किसी ने नहीं सोचा है। ठीक है गाइस, मुझे था किसी ने और एक सोनाली ने शायद एक, मुझे पता नहीं। अभी देखो गाइस यहाँ पे देखो सबसे गलती क्या की है, सब लोगों ने क्या गलती की है। यश, यश चौहान। यस सर। तू आजकल बोल क्यों नहीं रहा मेरे को पहले वो बता। सब बोल तो रहा हूँ। तू क्वेश्चन मतलब तू सॉल्व कर रहा है ना सब कुछ? हाँ ठीक है। जिस तरीके तू स्केलर वेक्टर और उसमें तू एक्टिव था, सब कुछ करता था, वैसे अभी नहीं कर रहा है तू, ऐसा मुझे मतलब मुझे फील हो रहा है। तो थोड़ा सा बोलते जा ठीक है सर। वो वैसे भी कम बोलते। ओके वैसे भी कम बोलते हैं क्या वो? हाँ इसीलिए शायद से। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ ये 60√2 है, ये 20 है। अब मुझे एक बात बताओ इस केस में, पहले तो मुझे था एफबीडी क्या होगी, एफबीडी क्या होगी वो पहले बताओ। इधर फोर्स कितना होगा, पहले इसका कंपोनेंट निकालते, ये कितना होगा? 60 ऊपर वाला भी 60 ऊपर वाला भी 60 जो कॉलर प्रॉब्लम। ठीक है हां ऊपर कितना आएगा? 40 नॉर्मल। हां ऊपर भी 60। अब नॉर्म, अब यहां पे ग्रेविटी कहां पे? ग्रेविटी कहां पे? नीचे की तरफ 40। नीचे की तरफ 40। नीचे की तरफ 40। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ। ऊपर। अब तुमने देखो, अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, अलोंग वाई एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n प्लस 60 इज इक्वल टू क्या किया? 40। n की वैल्यू कितनी की लाई? -20 भाई, 20 नहीं -20। कभी भाई नॉर्मल कभी फोर्स देखा है माइनस क्या? दूसरे उधर का है क्या फोर्स? अब यहाँ पे पंगा देखो क्या किया आपने, सब कुछ गलत कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए आपको अच्छा दिया था, यहाँ पे आपको एक समझना है। मुझे बताओ ये इस पेन को मुझे ऊपर उठा, देखो ये पेन जो है ये भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। अब मैंने सपोज एक ग्रेविटी के ज्यादा फोर्स मैंने ऊपर लगाया, तो फोर्स कहाँ पे जाने वाला है? ऊपर। मैं पेन को लिफ्ट करता हूँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटी फोर्स, 60 इज ग्रेटर देन ग्रेविटी, तो एक ब्लॉक कहाँ पे उठेगा? ऊपर। कहाँ पे उठेगा? अभी ऊपर, ऊपर उठेगा। अब मुझे तो ऊपर उठ गया, तो कोई कांटेक्ट है क्या इसके अंदर? कोई कांटेक्ट है क्या? नो। क्वेश्चन दोनों के अंदर कोई कांटेक्ट है क्या? अब कोई कांटेक्ट नहीं है तो मुझे बताओ कोई कांटेक्ट, नॉर्मल फोर्स क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे जीरो होगा, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। तो पहली बात, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है जीरो। अब सुनो, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, यही मेरा आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स भी होगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई भी होगा। वाई एक्स कितना है? मास, मतलब एफ नेट, एफ इज इक्वल टू एम एच, 60 - 20 इज इक्वल टू 4 into ax, तो ax की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, ax की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 10। अब यहाँ पे अलोंग y कितना है? 60 - 40, तो 60 - 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्या? ay, तो ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब मुझे बताओ ax इतना है, ay इतना है, मतलब मुझे बताओ एक्सेलरेशन इस बॉडी का मुझे ना चाहिए था एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ यार, ax और ay दोनों के अंदर क्या है? 90 डिग्री। सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा और आप अटक गए। सर आपका वीडियो अटक, वीडियो हैंग हो गया सर आपका। गाइस मेरे को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, अब आ रहा है। किसी का ना, किसी का फोन एक तो फिर से अटक गया। वो क्या है ना, एक बंदा कॉल करे जा रहा है, वो कॉल करने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। रुको एक मिनट, को बोल दिया भाई कॉल मत करो। अब यहाँ पे देखो, ये ए एक्स है 10, ये ए वाई है 5, ठीक है? तो ए एक्स 10 है, ए वाई 5 है, तो मुझे बताओ कैसे निकालोगे यार? ए एक्स प्लस ए वाई दोनों वेक्टर होते हैं ना भाई, ये
ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर यूज मी माय ए पैरेललोग्राम अरे पैरेलोग्राम लॉ यार ट्रायंगल लॉ से करो यार ये 10 है ये 5 है 90 है तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर याद है कि नहीं है यस सर डायरेक्टली ये फार्मूला आपको याद है ना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हाँ सर और ये भी आपको होता है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस से आ जाता है बराबर ना अंडर रूट ऑफ 10 ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 रूट ऑफ रूट ऑफ कितना तो मेरा a का वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 125 एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी थी 0 ये मुझे आंसर चाहिए था राइट जो एग्जैक्टली किसने नहीं निकाला तो इसीलिए किसी को 50 रुपए नहीं मिले ठीक है और जब भी मैं 50 रुपए लगाता हूँ ध्यान में रखना एक क्वेश्चन थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है देखो ट्रिकी था ना इसमें ट्रिक था ना हाँ तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा तभी मैं पैसा लगाऊंगा मैं थोड़ी पैसा बांटने के लिए बैठा हूँ भाई चलो अब यहाँ पे इसको लिखो यहाँ स्क्रीनशॉट निकालो स्क्रीनशॉट नहीं निकालो लिखो पहले इसको समझ के लिखो हो गया ठीक है चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अब मुझे एक बात बताओ चलो ये हो गया आपका अब देखो यहाँ पे ये कितने ब्लॉक थे यहाँ पे ठीक है कितने ब्लॉक था एक ही ब्लॉक था ना यहाँ पे अभी अब मैं देखो अलग अलग अभी देखो अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनते एकदम सिंपल गाइस एफबीडी आपको आता है प्रॉपर एफबीडी देखो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले एफबीडी नहीं बोला लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन वाली तो आती है अब नॉर्मल अभी डरना नहीं है देखो जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ एकदम सिंपल है ठीक है मैं अभी क्वेश्चन आपको बिल्डअप करते जाऊंगा ठीक है कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने ब्लॉक दिख रहे हैं तुमको दो जैसे मैंने इस ब्लॉक को लिया 1 kg का ब्लॉक और ये दिया मैंने 3 kg का ब्लॉक है तो एक है 1 kg 3 kg और इस ब्लॉक को मैं धक्का दे रहा हूँ कुछ इस तरफ से ऐसे ठीक है मैं इसके शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा पहले मैं सारे अभी मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा लॉन्ग कट मेथड से उसके बाद छोटा सा ब्रेक दूंगा ब्रेक के बाद शॉर्टकट मेथड बताऊंगा ठीक है तो पहले फटाफट देखो ये 1 kg 3 kg है अब इसके ऊपर मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया ठीक है तो अब मुझे बताओ 1 kg 3 kg दोनों साथ में मूव करेंगे इधर अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने यहाँ पे कौन से कहाँ कहाँ पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्सेज आ रहे हैं बताओ मुझे कॉन्टेक्ट फोर्सेस सारे लिख देता हूँ N1 N2 और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं N3 और ये सब कुछ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से ठीक है तो मुझे होता है यहाँ पे अननोन कितने N1 N2 N3 और ए और ए ये 4 अननोन है ठीक है तो अब मैं एक काम करता हूँ पहले तो 1 kg का FBD बनाता हूँ ठीक है तो अभी मैं पहले 1 kg का FBD बनाता हूँ ठीक है ये हो गया मेरा 1 kg इधर हो गया मेरा 3 kg ठीक है
मैंने पहले 1 kg का बनाया, यहाँ पे 3 kg का बनाया। अब मुझे एक पहले तो बात बताओ, 1 kg के ऊपर सारे फोर्सेस को ड्रॉ करो, कौन से कौन से फोर्सेस होंगे बताओ मुझे। ग्रेविटी कहाँ पे? ग्रेविटी 10 न्यूटन और एम वन कहाँ पे? अपर और नॉर्मल ऊपर। अब 1 kg को लेफ्ट हैंड से मतलब यहाँ से राइट, तो 12 न्यूटन कहाँ पे होगा? इधर होगा ऐसे? इधर ड्रॉ करेंगे ना अपन, तो सब सेंटर से ड्रॉ करते, मैंने तुमको बोला था। यस सर। ठीक है, अब मुझे तो 1 kg को और कौन धक्का देगा? 1 kg को और कौन धक्का देगा? कितने से? नहीं है नहीं है ना भाई, 12 न्यूटन है क्या? 12 न्यूटन तो 1 kg को धक्का दे रहा था। N3 समझ में आ रहा है तुमको मैंने क्या बोला है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। अब मुझे तो कोई भी ब्लॉक यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा है क्या? ऊपर नहीं मूव कर रहा है, तो पहले मैं सबसे इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। मुझे 4 अननोन चाहिए थे, तो 4 इक्वेशन चाहिए, तो मुझे पता है N1 की वैल्यू 10 के बराबर होगी, N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 30। भाई ये बकवास वाले इक्वेशन थे, दो कुछ काम के ही नहीं थे। तो एक्चुअल में अपना अननोन क्या था? एक्चुअल में अपना अननोन क्या था? A और N3। N3 और A, ये मेरा एक्चुअल अननोन था, बराबर ना? N3 और A मेरा एक्चुअल अननोन था। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बड़ा पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन क्या लिखूंगा? 12 minus N3 is equal to mass into acceleration, 1 into a, बराबर? 1 into a। और इसका इसका FBD क्या होगा? Fnet क्या? N3 है ना? Yes। N3 is equal to क्या? Mass into acceleration मतलब कितना? 3 into? 3a। तो दोनों को add करेंगे। देखो इस question को solve करने का तरीका क्या होता है? एक के नीचे एक लिखो, दोनों को add करो, 12 की value किसके बराबर आएगी? देखो ये मेरा main equation है, equation number 1, equation number 2 ये मेरा main equation है, ठीक है? N3 का 12 इक्वल टू 4 है, तो A की वैल्यू कितनी के बराबर आई? 3। A की वैल्यू 3 आई, तो A की वैल्यू 3 आई, तो N3 की वैल्यू कितनी आई? 9 न्यूटन। समझ में आ रहा है? 9। आ गया ना तुम्हारा आंसर? यस सर। यस सर। तो कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया N3 एंड A को? यस सर। चलो फटाफट इसको लिखो, मैं इसको आपको एक क्वेश्चन देता हूं। हां बोलो। हाउ डिड यू गेट N3 इज इक्वल टू 3 है? भगवान वाला फॉर्मूला है, उसको पूछते रहो, तुम्हारे तुम्हारे दिल दिमाग सब जगह पे यही होना चाहिए। F=ma, ठीक है? Fnet = mass। अब यहाँ पे Fnet कोई है ही नहीं ना, सिर्फ N3 यार, इसलिए एक सिर्फ F=ma हो गया। N3 = यहाँ पे कोई और फोर्स होता तो क्या लिखते अपन? N3 माइनस वो फोर्स लिखते ना। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। भाई ये कर लो, म्यूट कर लो, किसी का तो आवाज बहुत गंदी तरीके से आ रहा है।
भाई यहाँ पे एक मिनट, किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे एक पहले बात बताओ यहाँ पे भाई एफ नेट क्या है भाई, कितने फोर्सेस है यहाँ पे, 12 इधर है, N3 इधर है और ब्लॉक यहाँ पे जा रहा है, तो मुझे एफ नेट क्या बचा, व्हाट इज फोर्स नेट, 12 माइनस N3 होगा ना, 12 माइनस N3 ये मेरा एफ नेट हुआ, इज इक्वल टू क्या, मास कितना है, मास कितना है इसका, 1, तो 1 इनटू एक्सेलरेशन, तो वही तो, यही तो इक्वेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है, और गाइस मतलब जहां पे अपना वो है वहां पे करेंगे, अभी हम लोग एक दूसरा चैनल बना रहे हैं मास्टर क्लास का यूट्यूब पे, उसके ऊपर ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, क्योंकि मेरे जो मेरा चैनल पे थोड़े से रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैंने पहले बनाए हुए थे वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है, जेवाईसी, हाँ नहीं जेवाईसी पे नहीं डालूंगा मैं, जेवाईसी पे नहीं डालूंगा, जेवाईसी वाले लेक्चर थोड़े से अच्छे प्रोफेशनली बनाए थे, और आपको पता है मैं स्टूडियो भी दिखाता हूँ, देखो स्टूडियो आ रहा है अभी, सब बोर्ड वगैरह लग गया है, हम लोग सिर्फ वो कैमरा वगैरह सेटअप कर रहे हैं, दिखाओ क्या सर, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, सारा छाता भी था यहाँ पे, ये बोर्ड है, मैं उसके मतलब ये इसकी ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, काफी अच्छा खासा है वो, और ये सारा स्टूडियो का मटेरियल है, अभी पूरा कैमरा स्टैंड बिंड सब कुछ लगेगा, पूरा सामान वगैरह रखा हुआ है वहां पे, तो कैमरा का स्टैंड वगैरह सब लगेगा, मेरा तो आपको पता ये ना ये था ये सेटअप, तो मैं दो सेटअप से ही लूंगा, कभी उससे लूंगा कभी इससे लूंगा, ठीक है, मतलब अपने पास हर एक चीज होनी चाहिए, कड़क है सर कड़क, क्योंकि क्या भाई मतलब भारी, और अब उसको और अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसका जो कैमरा हम लोग लेके आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कैमरा है, बस इतना है कि नेट हमारा नेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 4K क्वालिटी का वीडियो जाएगा, ठीक है, तो अब तुम्हारा नेट जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो मतलब थोड़ा सा ब्लर वगैरह दिख सकता है, वो देखेंगे अपन, अपन ट्राई मारेंगे, ठीक है, तो नेट थोड़ा सा बचा के रखो गाइस, यहाँ पे 100 Mbps यार वो देता नहीं है, लेकिन 100 Mbps मतलब 100 Mbps कितना मिलता है वो पता नहीं, 1:8 का रेशियो होता है, तो मतलब वो एक्चुअली 5 Mbps डेडिकेटेड लाइन होनी चाहिए, 5 Mbps, लेकिन हमारा इस बिल्डिंग में शायद से वो जियो फाइबर और फाइबर गीगा फाइबर में रेशियो नहीं होता, हां नहीं है वो, नहीं है यहां मेरी इधर वही है, ओके चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, हो गया मेरा, अब हम लोग हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, सुनो फटाफट ये वाला क्वेश्चन करना है तुमको, और फिर इसके ऊपर इसके बाद थोड़ा छोटा सा अपन ब्रेक लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे अभी कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे तीन 2 kg 3 kg 4 kg, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने फोर्स लगाया 36 N का, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया 9 N का, ठीक है, देखो यहाँ पे भी फोर्स है यहाँ पे भी फोर्स है, मुझे बताओ ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे गाइस, ब्लॉक कहाँ पे जाएंगे, न्यूटन की साइड पे, राइट साइड, राइट साइड पे, एक्सेलरेशन ऐसे होगा, सुनो अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सपोज यहाँ पे N1 लिखा N2 लिखा, तो N1 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, N1 की वैल्यू कितने के बराबर है, N1 की वैल्यू 20, ठीक है, N2 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 30, N4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 40, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, छोड़ो ना फिर वो क्यों, खाली पकड़ अपने को पता है वो इतना एकदम सिंपल सी चीज है, तो मैं क्या करता हूँ इसको N1 लेता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर क्या लेता हूँ मैं N2, तो मेरे मेन अननोन कौन से N1 N2 एंड एक्सेलरेशन, जो मेरा N3 N4 N5 है, यहाँ पे मैंने N3 लिया, यहाँ पे मैंने N4 लिया, और यहाँ पे मैंने N5 लिया, वो तो आप बिना डायरेक्टली बोल के बोल सकते हो, N3 की वैल्यू 20, N4 30, N5 40, चलो ठीक है वो हो गया, मुझे N1 N2 एक्सेलरेशन चाहिए, फटाफट निकालो, चलो फटाफट निकालो, सबका FBD, हाँ प्रॉपर FBD निकालना है गाइस, प्रॉपर FBD निकालना है, प्रॉपर FBD निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है, इसमें ग्रेविटी की ग्रेविटी को 10 ले रहा है, कुछ 9.8 वगैरह नहीं लेना है, मैक्सिमम जेई नीट के क्वेश्चंस में 10 ही आता है, ठीक है, मतलब वो और मेंशन किया रहता है, वो एचसी वर्मा में 9.8 दिया रहेगा, अपने को 10 लेते हैं, ठीक है, चलो करो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, म्यूट करो, म्यूट करके रखो सब लोग, सब लोग म्यूट करके रखो, म्यूट होके रखो,
भाई नक्षत्र तेरा आवाज मतलब बहुत फटके आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा तू बोल रहा था मुझे, अभी पता चला कि तेरा माइक ऑन है। चैट पे लिख दे, चैट पे लिख दे। गाइस आंसर निकालो सब लोग, आंसर निकालो और चैट पे लिखते रहो, मैं देख रहा हूँ। कुछ लोगों ने निकाला है, कुछ लोग अभी तक और निकालना बाकी, हर एक का अलग अलग एफपीडी बना के करना है आपको, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, चलो जितने भी जनों जो भी लोगों ने किया है, क्या किया, आधा अधूरा है, एक मिनट और दो और, सर एक मिनट, एक मिनट, हाँ चलो करो फिर, एक मिनट नहीं दो मिनट लो करो, लेकिन हाँ बोल बोल सर, एफ बी डी बना लिया, इक्वेशन पे ला दिया और उसके बाद अटक गई, मैं सॉल्व करके बना। साइंस क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन में थोड़ा डिफिकल्ट, इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तीनों में एक वेरिएबल कॉमन है तो उसका सिर्फ साइन थोड़ा चेंज करके होता है।
रुको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, रुको सॉल्यूशन बताऊंगा। वो एक के नीचे एक लिखो, सबको एक के नीचे एक लिखो और ऐड करो सारे इक्वेशन को, एक के नीचे एक लिखो सारा n1 n2 n3 सब n1 n2 सब कट हो जाएगा, एक के नीचे एक लिखो सारे। a की वैल्यू 3 आ रही है, राइट राइट, a की वैल्यू 3 आती है। देखो मतलब चेक करो, मैं बात बताता हूं अभी 2 मिनट। यस सर। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करना। यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, यहाँ पे देख लो, पहले मुझे बताओ 2 kg। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 kg, ठीक है, फिर उसके बाद 3 kg। मैं सारे के अलग 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 वो बनाता हूँ। सर आपका वीडियो चला गया। हाँ पता है, एक मिनट दिखाता हूं। 2 kg, 3 kg, 4 kg, क्योंकि कॉफी पीके पीके पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो मुझे होता 2 kg। 2 kg के ऊपर क्या होगा, 2 kg के ऊपर फोर्स कहाँ पे होगा? 36 टू राइट, राइट। हाँ तो मैं यहाँ पे ना अलग कलर में लिखता हूँ, 36 कहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद4 kg, 4 kg को धक्का देगा, 3 kg इधर, ठीक है, तो ये इधर हो गया और 9 इधर हो गया, कोई दिक्कत है क्या? सबका एक्सेलरेशन इस तरफ, सबका एक्सेलरेशन इस तरफ। मुझे होता यहाँ पे मैंने n3 n4 मतलब चाहिए तो आप लिख सकते हो यार, देखो यार ठीक है अभी मतलब बता रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। n3 की वैल्यू 20 होगी, n4 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30, क्योंकि इधर जा ही नहीं रहा वो। N5 की वैल्यू कितनी के बराबर आएगी? 40, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब मुझे होता है इक्वेशन क्या लिखोगे? अब इसका इक्वेशन क्या आएगा, कौन सा फोर्स बड़ा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होना चाहिए? 36 माइनस N1 की वैल्यू कितनी के बराबर आएगी? 2a। फिर इसके बाद N1 बड़ा N2, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो कौन बड़ा होना चाहिए? N1 - N2 = 3a। पहले मुझे बताओ इक्वेशन लिखने को आ रहा है क्या आपको? Yes, तो n2 yes, बड़ा है 9 से, हाँ तो n2 बड़ा है 9 से, तो n2 माइनस 9 इक्वल 4a। n1 कैंसिल, n2 कैंसिल, सबको ना ऐड करने का, ऐसे 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तीनों को ऐसा लिखो, दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर दो, n1 कैंसिल, n2 कैंसिल, तो 36 माइनस n कितना हुआ? 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब a की वैल्यू जो 3 आई वो यहाँ पे डाल दो, तो n2 आ जाएगा, कितना आएगा n2? 21, ठीक है, n1 आएगा। हाँ तो डालो यार, कुछ भी डालो, n3 की इधर 3 डालो, 3 × 2 = 6 आएगा, 36 माइनस 6 30, n1 की वैल्यू 30 आएगी, 30 ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा था, आ रहा है अभी? ये लास्ट वाला पार्ट करो ना, n2 n1 वाला। कौन सा वाला? N2 N1। मुझे था a = 3 आया क्या? हाँ सर आया। हाँ तो अभी a = 3 जो है वो इसमें डालना, इसमें डालना कितना है, तो N2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 मिला है ना तुझे, इसमें डाल, आंसर हाँ, आ जाएगा। मिला है, मिला है। हाँ फिर हो गया ना खत्म बात। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये होता है फिजिक्स, उसको सॉल्व करना होता है। मैथ्स आपका, मैथ्स थोड़ा सा अच्छा करो, स्ट्रांग बनाओ गाइस, ठीक है। तो ये था मेरा एग्जाम्पल, कोई दिक्कत है ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने में? भाई पता है आपको, अभी मेरे और 2 लेक्चर बचे हुए NLM के, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, ये सारे लेक्चर थोड़े से अपर लेवल पे जाएंगे, इधर तक नीट होता है,
नीट में उसके ऊपर नहीं आता, मतलब इसके टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज और, ठीक है? लेकिन जो जेई मेन एंड एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से और अच्छे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा थर्ड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर का मतलब अगला लेक्चर का लास्ट का एक घंटा मैं एडवांस के लेक्चर्स कराऊंगा, ठीक है? सर हाँ बोलो बोलो। आई हैव अ डाउट, अगर ऐसे तीन ब्लॉक्स है और तीन ब्लॉक्स में दो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है और फर्स्ट ब्लॉक करेंगे वो भी करेंगे, ठीक है? पहले इतना करो, ये समझ में आया तुमको? यस सर। कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है? और ऐसे और दो तीन क्वेश्चन अपन करेंगे सर। ओके सर।
चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. यस सर. चलो चलो एक क्वेश्चन फटाफट और एक देता हूं मैं. ये जो है ये क्वेश्चन अभी कर लो. एग्जांपल थ्री. ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, मैं दो दो क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, एग्जांपल थ्री इधर देता हूं, एग्जांपल फोर इधर देता हूं. फटाफट करो ये क्वेश्चन, फटाफट करो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला. फाइंड नॉर्मल फोर्सेस. देखो यहां पे नॉर्मल फोर्स N1 है, यहां पे नॉर्मल फोर्स N2, सॉरी इधर भी N1 और N2. फाइंड नॉर्मल फोर्सेस हियर N1 N2, मतलब एग्जांपल 3 है, एग्जांपल ये 4 है. ठीक है, FBD निकालो. अब जो ब्लॉक इधर जा रहे थे, अब ब्लॉक कहां पे जा रहे हैं? ऊपर. ऐसा पकड़ो, सब लोग सुनो गाइस, यहां पे देखो क्या हो रहा है. इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा है 4 केजी का. ठीक है, तो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा है 4 केजी का. यहाँ पे भी लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा है 2 केजी 1 केजी का. और पूरी लिफ्ट फर्स्ट केस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, सेकंड केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है. तो बताओ नॉर्मल फोर्सेस क्या होंगे, बताओ जरा, ड्रॉ करो. एक्सेलरेशन ना, हाँ ऊपर जा रहा है ना, तो एक ही डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है वो. द ब्लॉक्स आर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो क्या करोगे इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करोगे. ये 4 केजी का ब्लॉक है, तो मुझे होता 4 केजी का ब्लॉक है तो 4 केजी के ऊपर एफबीडी क्या होगा. देखो मैं यहाँ पे 40 न्यूटन नीचे, 40 न्यूटन नीचे और ऊपर और ए ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर है. अब देखो ना यार, जो अलोंग एक्स एक्सिस वाले क्वेश्चन थे वो सारे अभी अलोंग कौन से वाले क्वेश्चन हो गए. तो मुझे बता एन वन क्या होगा यहाँ पे, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी. एन वन माइनस 40 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4a. देखो f इज इक्वल टू m, ठीक है,
तो एन वन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 16 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 56. भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर. ठीक है, तो काम हो गया. अब यहाँ पे देखो, ये है 1 kg, ये है 2 kg. अब मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 kg 2 kg. अब यहाँ पे देखो 1 kg 2 kg में पहले तो अपना ग्रेविटी फोर्स एकदम इजी वाला जो लिख दो यहाँ पे, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 20. ठीक है, अब मुझे बताओ 1 kg के ऊपर, 1 kg के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स N1 कहाँ पे आएगा, N1 अपवर्ड. N1 अपवर्ड आएगा. अब 2 kg के ऊपर कौन से फोर्स आएंगे बताओ मुझे, N2 और N1. N2 अपवर्ड, N1 डाउनवर्ड. N2 अपवर्ड, तो यहाँ पे N2 अपवर्ड आएगा, पहले ध्यान में रखना ये चीज, N2 अपवर्ड. अब दूसरे कलर में लिखता हो चाहिए तो N1 डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड. ठीक है, और दोनों का एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ऊपर, ऊपर. उसकी वैल्यू दी है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिया है, a इज इक्वल टू कितना दिया है, 2. दोनों में 2 दिया हुआ है, बस दोनों के इक्वेशन फटाफट. ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, एफ नेट एफ, हाँ N1, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव लेना होता है, तो N1 माइनस 10 n इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर उसके बाद N2 ऊपर है, N1 एंड 20 नीचे है, तो क्या होगा, कौन सा फोर्स, माइनस N1 माइनस 20. हाँ, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 माइनस N1 प्लस 20, मतलब ब्रैकेट में लिख दो, या फिर N2 माइनस N1 माइनस 20, जो भी तुमको लिखना है. मैंने ब्रैकेट ओपन किया. हाँ, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, 2 × 2 = 4. मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, अभी समझ में आ रहा है तुमको या नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है. ठीक है, तो खत्म बात. तो N1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई, N1 की वैल्यू हो गई 12, और वो N1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 36. N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 36. ये वो मैथ पूछा, अभी तो आपको आना चाहिए मैथ, उसको सॉल्व करने को तो आपको आना चाहिए. ठीक है गाइस, देखो इसको फटाफट, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 को लिखो. सर आपको बोल रहे थे ना 30 सेकंड में सॉल्व करने वाला मैं था. हाँ मैं बताऊंगा, रुको जरा, पहले थोड़े से और क्वेश्चंस, मतलब वो टेंशन वाले भी बच्चे वो कर लेते हैं, इंक्लाइन वाले बच्चे वो कर लेते हैं. अभी मेथड तुमको समझ में आया ना, सब कुछ सेम होगा. अब अगले क्लास में मैं थोड़ा सा अपर लेवल पे जाने वाला हूं, थर्ड लेक्चर मतलब मेरा पहला, आगे का लेक्चर जो होगा वो शायद से मंडे होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, गणपति का छुट्टी देना है नहीं देना है तो हमने डिसाइड नहीं किया मंडे को. तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. तो थर्ड लेक्चर जो जब भी होगा गाइस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, ठीक है, वो अटेंड करना ही है आपको, मतलब मिस मत करना. सो हाँ बोलो. सर अभी हम लोग को 2 o'clock के बैच को बैठने का है क्या, फ्रिक्शन आप ले रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, कौन बोला बैठना, नहीं 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 सर, वो लिंक आई थी इसलिए. हाँ लिंक आई थी, गलती से आ गई थी तुमको, तुम्हारे ग्रुप में गलती से आ गई थी वो डायरेक्ट, मतलब वो उन्होंने जल्दी से भेजी. थैंक यू सर. ओके, चीजों को धीरे धीरे खाने का. हाँ पहले कैलकुलस सब कुछ देख, जो लोग ना इस बैच में बैठे अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे चल रहे हैं, कैलकुलस कुछ भी करके आगे के 3 दिन में खत्म कर लो गाइस, गणपति है ठीक है, कल परसों अरसों 3 दिन में खत्म कर लो. ठीक है प्लीज वो देख के खत्म कर लो, तो मैं कैलकुलस का वो वाला लेक्चर, काइनेमेटिक्स का लेक्चर भी मेरा जो अटका हुआ है वो ले सकता हूँ. समझ में आ रहे हो ना? यस सर. हाँ क्योंकि उसके बाद ही मैं एडवांस प्लस वाले एक बैच है जो रात को चालू होती है वो चालू कर सकता हूँ, मुझे वो उसमें सारे बैच को कंबाइन करके एडवांस प्लस लगाना है. ठीक है, एडवांस प्लस मतलब कोई मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, जब मैं नॉर्मल लेक्चर्स लेता हूँ उसमें भी मैं एडवांस के कंसेप्ट बता देता हूँ. और ये जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, यही थोड़ा सा अलग तरीका होता है, ये थ्योरेटिकल तरीका नहीं होता है, बोर्ड्स का तरीका नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपका बोर्ड्स भी बहुत इजी जाएगा. तो जो लोग सिर्फ प्योर बोर्ड्स के लिए उन लोग का भी इजी जाएगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट तो आ चुके आपको. ठीक है, आगे बढ़ू मैं? ओके सर. यस सर. एक तुम बात बताओ मुझे यार, ये एग्जांपल 5 देखो यहाँ पे. अब सेम चीज मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग लट, एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और उसको एक और स्ट्रिंग है. देखो कितने स्ट्रिंग्स किए मैंने, कितने स्ट्रिंग से बताओ, दो. और मैंने इधर इस ब्लॉक को यहां से खींचा, लेट्स से मैं इसको वही 1 kg 2 kg
थ्री के जी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ 18 न्यूटन से खींचा इसको, ठीक है, तो सब कुछ कहाँ पे जाएंगे, सारे ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे, राइट साइड. भाई जो क्वेश्चन अपन ने नॉर्मल फोर्स का किया ना, सेम ही तो है ना यहाँ पे, कुछ अलग है क्या इसमें? नो सर. अब मुझे होता कितने, एक स्ट्रिंग, मैंने क्या बोला, वन स्ट्रिंग गिव्स यू वन टेंशन, याद है कि नहीं है? Yes, sir. एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, तो इस केस में सपोज एक टेंशन लिया मैंने T1, इस केस में मैंने टेंशन कितना लिया, T2. अब मुझे तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स के लिखने की जरूरत है क्या, नॉर्मल फोर्स के यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू कितनी होगी, 10, N2 की वैल्यू कितनी होगी, 20, N3 की वैल्यू कितनी होगी, 30, छोड़ दो यार उसका कुछ जरूरत नहीं है, तो मेरा बेसिकली यहाँ पे अननोन कौन से, T1, T2 एंड एक्सेलरेशन, ये मेरे मेन अननोन है, यस सर, T1, T2 एंड एक्सेलरेशन मेरे मेन अननोन है, कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं FBD मतलब क्या, मुझे 1 kg का FBD अलग से ड्रॉ करना है, 2 kg का अलग से और 3 kg का अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आलसी हूं तो नहीं करता, इसी में करता हूं, ठीक है, तो यहां पे देख लो, आप लोग मत करो, आपको शायद से चाहिए तो अलग से ड्रॉ करो, समझ में आएगा आपको, 18 न्यूटन फोर्स यहां पे है, तो मुझे 3 kg के ऊपर T1 कहां पे होगा, टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड का टेंशन पुल करेगा, एक्सेलरेट, ठीक है, ये मैंने फोर्स यहां पे ड्रॉ किया, 2 kg के ऊपर कौन, 2 kg को कौन खींच रहा है, तीनों का एक्सेलरेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन ए इधर, इसका भी ए इधर, इसका भी ए इधर, अब मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ इसका एफबीडी का इक्वेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा, तो क्या लिखेंगे अपन, 18 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद रखो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, भगवान वाला अपना फॉर्मूला, ठीक है, अब इसके बाद ये T1 T2 तो क्या करेंगे, कौन बड़ा होगा, T1 या T2, T1 प्लस लेंगे, T1 क्योंकि T1 को पॉजिटिव लेंगे एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 2a, काम खत्म हो गया, और लास्ट का क्या होगा बताओ मुझे, T2 इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो T2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, T2 इक्वल टू ए, 1 इनटू ए, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, अब दोनों, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों को एक के नीचे एक लिखने का, ऐड करने का, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, 18 की वैल्यू किसके बराबर आई, 6 है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यहां पे डाल दो तो टेंशन कितना आया, 3 3 9 18 9 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
ऑलमोस्ट अपना लेक्चर खत्म होने का है. मैं मतलब और एक दो क्वेश्चन करूंगा और सारे के एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा. वो शॉर्टकट मेथड जो है वो आपको ना घर पे प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा. ठीक है, होमवर्क मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा और एचसी वर्मा से कुछ होमवर्क दूंगा. इस बार यार कोरोना ने मतलब सबकी हालत खराब कर दी ना. गणपति कुछ कुछ नहीं. हाँ ना सर, जिंदगी बर्बाद होके रखी है. अभी तभी भी हम लोग अभी सोच रहे यहाँ पे, मैं तो जिम तो भी मैं स्टार्ट करने ही वालों, कुछ भी हो जाए. आपने तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा भी नहीं होगा पर्सनली. देखा है क्या? एक ही बार देखा है सर. देखा है सर? नहीं हाँ सर, देखा है सर. लेकिन बहुत सारे लोगों ने मतलब अपना एक बार देखा है कुछ जगह. पीटीवी में मैंने आया था, वो तो स्कूल में आया था. नाची वाला था ठीक है, तो अलग अलग जगह पे. बाकी तो लोगों ने मुझे लगता है कि पर्सनली तो कभी देखा नहीं है. नो सर, नहीं बाकी नहीं देखा. तो वाकड़े में कितना लेक्चर्स लिया आपने? नहीं वाकड़े में तो ठीक है, वाकड़े में तो मैं आया था. वाकड़े का तो ठीक है, वाकड़े का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें तो मैं आया था. लेकिन बहुत सारे लोग ये बैच में अलग अलग बैच में. लेकिन देखो एक्चुअली कैसा होता है ना, ऑनलाइन सबको नहीं जमता. मतलब एक अभी ऑनलाइन कैसा है ना, ऑनलाइन में आपका इंटरेक्शन वगैरह जो है ना वो सबको नहीं होता. लेकिन मुझे लगता है कि अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा. आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अच्छा
बहुत नॉर्मल फील होता है सर ये. हाँ नॉर्मल फील करवा रहे हैं उल्टा अच्छा है सर. नॉर्मल फील करवा रहे हैं इसमें टाइम भी बच रहा है बहुत. अब रियल क्लास में जब बैठेंगे तो वो वियर्ड लगेगा ज्यादा. हाँ वो वियर्ड नहीं लेकिन अपन क्या करेंगे पता है हम लोग अभी हम लोग क्या करने वाले पता है मतलब मैं तो हम लोग यही सोच रहे क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने हम लोग को बताया कि थोड़ा भाई काम करो आधा आधा लो मतलब कभी कभी क्लास ऑनलाइन रखा करो कभी कभी क्लास में बुला करो डाउट सॉल्विंग कभी कभी इधर ले लो कभी कभी क्लास में ले लो मतलब उससे क्या हो जाएगा मतलब एक हमारा टाइम भी बचता है थोड़ा सा ये भी चलता रहेगा क्योंकि अभी ना तुम लोग बहुत यूज टू हो गए हो और पूरी दुनिया ही यूज टू हो गई है इसमें. तो क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो ऑनलाइन क्या तो भी चलेगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक आफ्टर लॉकडाउन कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो इन पर्सन लेना अच्छा रहेगा. अरे देखो कुछ कुछ देखो कुछ कुछ देखो ऐसे ही मैं वही बोल रहा हूँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि ऑनलाइन भी चलते हैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसके लिए ऑफलाइन लगता है तो वैसा डिस्ट्रीब्यूट करके आराम से किया जा सकता है. लेकिन अभी तो 2 महीना कुछ सोचना ही नहीं है 2 महीना ऑनलाइन ही है. ठीक है सर. हाँ बोलो सर. पीटीवी में वो साइबर बुलिंग का लेक्चर देने आए थे कुछ किसका साइबर बुलिंग. नहीं 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 वो नहीं अभी पीटी अभी वो बहुत टाइम पहले है मतलब 9th तुम लोग सब तब शायद से 9th में थे. ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते वीडियो गेम घायल में वीडियो गेम खेलता था मतलब अभी तो मतलब सब कुछ बंद हुआ है. एक काउंटर स्ट्राइक करके गेम है सीएस और काउंटर स्ट्राइक आप भी खेलते थे. अरे सीएस काउंटर स्ट्राइक खेलता था मैं उसके बाद एज ऑफ एम्पायर करके गेम होता है एओई. एज ऑफ एम्पायर हां वो पता है सर वो. तो एज ऑफ एम्पायर में तो हम लोग मतलब बहुत सीओडी खेलते थे बहुत अलग लेवल पे थे. हाँ पबजी यार पबजी में अंदर मेरे को आदत लगी थी उसको बाद निकाल दी मैंने उसको. तुम लोगों को नहीं देखो अरे भाई 11th 12th जो है ना 11th 12th में मत खेलो. तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे ना मैं तुमको बताता हूँ अच्छे कॉलेज में तुम घुसोगे जिस दिन ठीक है फर्स्ट ईयर थोड़ा सा तुम्हारा वो दिमाग में रहेगा थोड़ा सा पढ़ोगे सेकंड थर्ड ईयर ना पूरा का पूरा हमने गेमिंग ही किया है. मैं पता 8-8 घंटा गेम खेला सेकंड थर्ड ईयर में. कब अंदर जाने के बाद कॉलेज में घुसने के बाद अभी नहीं 11th 12th में नहीं करना 11th 12th में रुका दो कोई गेम खेल रहा होगा तो अभी रुका दो कुछ टाइम के लिए 2 साल सिर्फ वो करो. फर्स्ट ईयर में एज ऑफ एम्पायर जो एज ऑफ एम्पायर होता है ना गेम उसमें तो मैं अलग अलग हम लोग अलग अलग कॉलेज में जाते थे एज ए कॉम्पिटिशन. इतना इतना अच्छा खासा खेलते थे हम लोग इतना स्टेट लेवल के प्लेयर थे हम लोग एज ऑफ एम्पायर में. मतलब कोई मेरे साथ एज ऑफ एम्पायर अभी भी खेलेगा मैं वापस खेलना चालू करूंगा एज ऑफ एम्पायर खेलेगा तो कम से कम तो तुम लोगों में फ्यूडल एज मतलब अलग अलग एजेस होती है फ्यूडल एज कैसल एज फ्यूडल कैसल एज में पहुंच भी नहीं पाओगे तुम फ्यूडल एज में खत्म. सर आप डोटा भी ट्राई कीजिए तो बहुत. हां डोटा भी किया भाई एज ऑफ एम्पायर का फिर बात वैलोरेंट वाह वाह वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट भी है. ठीक है वो तो अभी अभी वो अभी लेकिन अभी नहीं खेल रहे क्योंकि अभी सारा काम बहुत है सर. हां आपके बाल कितने बड़े वो बाद में वो अभी वो बाद में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ. मैं अभी हम लोग स्टूडियो बना रहे हैं तो मैंने बोला ना अभी थोड़े से मार्केटिंग के हम लोग वीडियोस बना रहे यूट्यूब पे डालते रहेंगे फनी वीडियोस फिर थोड़े से क्रेजी वीडियोस क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ना कंटेंट तो ठीक है कंटेंट अपने जगह पे होता है लेकिन एक थोड़ा सा उल्टा पुल्टा वीडियो बनाना पड़ता है. ठीक है तो हम लोग अभी काफी सारा अलग टाइप का वीडियोज बनाने वाले फिजिक्स का ही फिजिक्स को लेके या फिर एजुकेशन को लेके या फिर थोड़ा सा अलग टाइप का बकवास. ठीक है इसको आपको प्रमोट करना है रोहित सर जैसे. रोहित सर भी आ रहे हैं ना कल आ रहे हैं तो कल वो अभी मतलब गांव में गए थे तो कल आ रहे हैं फिर हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा अच्छा खासा टू कैमरा सेटअप स्टूडियो हमारा पूरा हॉल शूटिंग वाला चीज बन जाएगा. ऐसे कुछ कुछ कर रहे हैं हम लोग. देखो तुम अभी 1-2 महीने में तुमको बहुत अलग अलग वीडियोज मिलेंगे देखने के लिए. अब देखा है अभी सोचा कि भाई फेमस बन जाते हैं. चलो अब आगे पहले से फेमस हो नहीं पहले नहीं रे अभी थोड़ा सा मतलब यूट्यूबर थोड़ा सा बनना है ना मतलब कम से कम तो 100K सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए यार यूट्यूब पे. ठीक है चलो अब यहाँ पे देखो गाइस अब एग्जांपल ये एग्जांपल जो है ये एग्जांपल 5 हो गया जिसमें ये वाली चीज हो गई. ठीक है अब एक और चीज करना है आपको एग्जाम्पल 6 में आपको जो बताता हूँ सुनो ध्यान से. ठीक है अब मैंने सेम चीज किया एक मिनट मैंने कुछ ऐसे किया. ठीक है अब इंक्लिनेशन सब लोग सुनो ध्यान से सब लोग सुनो
मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे अपना इंक्लिनेशन वाला भी हो चुका है, लेकिन तुम मुझे बताओ, सपोज एक ब्लॉक को मैं ऐसे रखता हूँ तो मुझे बताओ ये ब्लॉक कहाँ पे आने वाला है? फोर केजी का ब्लॉक रखा, फोर केजी का ब्लॉक कैसे आएगा बताओ मुझे? नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो मुझे बताओ इसमें जो एक्स एक एक्सिस होगी वो कैसे होगी? तो भाई मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस मानी मैंने, वाई एक्सिस मानी, तो इसके ऊपर सारे जो फोर्सेस में ड्रॉ करूंगा अलोंग एक्स एंड वाई ड्रॉ करूंगा, बताओ मुझे कौन से कौन से फोर्सेस इसमें, कौन से कौन से फोर्सेस हैं? नॉर्मल अलोंग ग्रेविटी, नॉर्मल पर्पेंडिकुलर डाउन। तो ये हो गया 40 नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा? सो अलोंग वाई एक्स, अलोंग की वाई एक्स। तो बताओ ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना है? 30। तो मुझे बताओ किसका अभी कंपोनेंट मुझे लेना पड़ेगा? ग्रेविटी का। भाई मुझे 40 है तो बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है ग्रेविटी का? 40 क्या? 20 cos 30। और ये क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा? 40 sin 30। अब मुझे एक बात बताओ, 40 का कुछ काम है? नो सर। मुझे बताओ इसमें 40 sin 30 ऐसा बच रहा है तो बॉडी कहाँ पे मूव करेगी? नीचे। मुझे तो अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगी क्या? नहीं। तो मुझे अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस नेट एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। कॉमन फोर्स की वैल्यू कितनी के बराबर आएगी? 40 cos 30। cos 30 इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है तुमको? नहीं समझ में? अब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन है तो अपन कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए। ये अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे बराबर ना? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√3। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपको? इसको भी ड्रॉ करके लिख दो, इसको भी ड्रॉ करके लिख दो। कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं एकदम शॉर्टकट में बताता हूँ और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। जो भी अपन ने किया है ना गाइस, उसी को फॉलो करके रखना है। सिर्फ एफबीडी आपको आना चाहिए, एक्सेलरेशन को लिखना है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब हर एक टेक के क्वेश्चन में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन दूंगा और फिर उसको अगले लेक्चर में मैं आपको उसको मतलब होमवर्क ऐसा सॉल्व करना है। जिनको नहीं आ रहा है वो अगले लेक्चर में बैठ के फिर वापस सॉल्व करके सबमिट करेगा, ठीक है? लेकिन खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब आपकी तरक्की होगी, ध्यान में रखना। एक दूसरे के साथ डाउट डिस्कस करो, थोड़ा सा डिस्कस उसको करो, ठीक है? चलो एक मिनट सर। बोलो सर, मुझे एक डाउट है। जो हमने पहले जो स्ट्रिंग वाला किया था उसमें मतलब ब्लॉक्स और उनमें स्ट्रिंग्स है, और उसमें अगर जो फाइनल ब्लॉक है उसका जो मतलब फोर्स है, मतलब जिससे वो आगे जा रहा है, इट इज एट एन एंगल एंड इट इज ग्रेटर देन द एमजी, मतलब ग्रेविटेशनल। हाँ, नहीं, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, सो थर्ड या फोर्थ ब्लॉक पे नॉर्मल कैसा निकलेगा? मतलब थोड़ा 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 ऊपर जाएगा, बट थर्ड और फोर्थ थोड़ा थोड़ा नहीं, वो इंस्टेंट पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऊपर जाते रहेगा ना, तो फिर वो टेंशन भी उसका डायरेक्शन बदलते जाएगा, फिर वो वेरिएबल मास का मतलब वेरिएबल क्वेश्चन हो जाएगा वो। हम लोग बोलेंगे कि उस इंस्टेंट के लिए क्या होगा। ओके ओके, ठीक है, फिर वो इंस्टेंट के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अपने को देखना पड़ेगा। ओके सर, हाँ सर, हो गया, लिख के हो गया? यस सर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको एक एकदम सिंपल वाला मेथड बताता हूँ, जिससे आप एक कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? ये लास्ट का ये है, फटाफट देख लो सब लोग, मतलब अपना हो चुका है, दिखने में बहुत मस्त मस्त लग रहा है, देखो कलरफुल। अब चलो यहाँ पे देख लो, फटाफट यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन, जब ये ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं नीट एंड जेई मेन के लोअर लेवल पे, मतलब नीट में ऐसे आते हैं, और जेई मेन के लोअर मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल होती है, तो लोअर एंड मीडियम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है?
तो अब यहाँ पे देखो डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है। अब यहाँ पे देख लो 1 kg 3 kg, पहले तो मुझे एक बात बताओ इस क्वेश्चन में, थोड़ा दूर से देखो इस क्वेश्चन को, दूर से देखो 1 kg 3 kg कौन धक्का दे रहा है उसको? 12 newton. अब मैं यहाँ पे ना दो वर्ड्स बोल रहा हूँ, अब मैं अगले लेक्चर में भी उसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक वर्ड होता है सिस्टम और दूसरा वर्ड होता है इंटरनल फोर्स। क्या बोला मैंने? सिस्टम एंड इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स तो ध्यान में रखना, इंटरनल फोर्स हमेशा हो जाएगा जीरो। देखो कैसे मैं आपको बताऊंगा ना, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज इंटरनल फोर्स। सिस्टम मतलब क्या होता है पता है, दो से तीन मासेस सब साथ में कंबाइन करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दूर से देखोगे तो 1 kg एंड 3 kg, 1 kg एंड 3 kg तुमको क्या लगेगा कौन सा कितना मास बन गया? 4 kg 4 kg 4 kg, क्योंकि 4 kg साथ में जा रहा है ना, तो 4 kg के ऊपर कितना फोर्स है यहाँ पे? 12 newton. मुझे तो 12 newton 4 kg को आगे लेके जा रहा है, तो F is equal to ma के हिसाब से 12/4 एक्सेलरेशन कितना है? 3 सिस्टम माना, तो मुझे बताओ जो नॉर्मल फोर्स है N3 वो क्या हो गया? N3 इधर, N3 क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन में कंसर्व, तो वो क्या कौन सा फोर्स बन गया फिर? कौन सा फोर्स बन गया? इंटरनल फोर्स। देखो शॉर्टकट में नहीं समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को वापस देख सकते हो, मतलब लास्ट का पार्ट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सिंपल, मतलब मैंने 1 kg 3 kg को सिस्टम माना, 4 kg, तो 4 kg मेरा सिस्टम हो गया, तो 4 kg मतलब 12/4 मेरा एक्सेलरेशन 3 आया, तो इस केस में N3 क्या बन गया? इंटरनल फोर्स। मेरा एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में सब साथ में जा रहे, 2, 3, 4 सब साथ में जा रहे, बराबर? Yes, तो मैं देखो साथ में जाएंगे तो ही सिस्टम मानना है, एक चीज है, पहली बात सबका एक्सेलरेशन सेम होगा तो ही सिस्टम मान सकते हैं ना, नहीं तो हो सकता है क्या सिस्टम? नो नहीं, तो बताओ ये तो सब तीनों को मैंने सिस्टम माना तो क्या हो गया बताओ मुझे, कितने का मास हो गया? 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 9 kg। अब 9 kg के ऊपर यहाँ पे फोर्स कितना है? 36। यहाँ पे फोर्स कितना है? 36 - 9 कैंसिल हो गया ना, कितना हुआ? 27 फोर्स लग रहा है, 9 केजी को घुमा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 27/9 3। आंसर कितना आया था यहाँ पे? कितना आया था आंसर? देखो 3 डायरेक्ट आया सर, मैं आपको बोला डायरेक्ट मेथड इसको, लेकिन मुझे होता है इसमें इंटरनल फोर्स कौन सा बना? N1 N2 कैंसिल, तो N1 N2 बोथ ऑफ देम बिकम क्या? इंटरनल फोर्स। यहाँ पे N3 becomes internal force, ठीक है? Yes. और सिस्टम माना। अब मुझे बताओ यहाँ, अब ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिस्टम से नहीं करेंगे, ठीक है मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना यहाँ पे N1 एंड N2 निकालने के लिए दिमाग में FBD बनानी पड़ेगी। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड N2 ना, तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना FBD यार दिमाग में। बोल क्या बोल तो अगर हमें इंटरनल फोर्सेस का वैल्यूज पूछा है तो सिस्टम के थ्रू नहीं कर सकते? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो उसके एलबीडी अभी मैं क्या बोला तुमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या की मैंने, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 3 m/s² निकाली। फटाफट करना है तुमको, तो अब मुझे बताया किसी ने बोला N2 की वैल्यू कितनी होगी, तो तुमने क्या किया 4 kg का फटाफट ऐसा आजू में कचरा कचरा सा, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं तुम क्या सॉल्व कर रहे हो, 4 kg की कैसी कचरा FBD बनाई, यहाँ पे N2 लगाया, नीचे यहाँ पे क्या लगाया मैंने? 9। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी ली मैंने? 3। तो अपन यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? N2 - 9 = 4 × 3 व्हिच इज कितना? 12। तो 12 + 9 कितना हुआ? 21 आंसर आया, यहाँ पे 21 आंसर आया था, सिंपल वही तो आंसर आएगा ना। मैंने क्या बोला, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको अभी कौन सा मेथड फॉलो करना है? FBD का, रेगुलर वाला। FBD का मेथड फॉलो करना है आपको, ये वाला जो मेथड है आपको प्रैक्टिस से आने वाला है गाइस, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, करती रहनी पड़ेगी। ओके सर, जो मैं होमवर्क दूंगा ना वो होमवर्क का प्रैक्टिस कर दो, ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा आप डायरेक्ट करने को, ये तो डायरेक्ट ही है मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ इसमें मुझे बताओ, इसमें भी डायरेक्ट आएगा, देखो यहाँ पे अब 18 newton फोर्स कितने टोटल ब्लॉक को कितना घुमा रहा है? 6 kg 3 + 2 + 1 6 kg को 6 kg को 18 newton घुमा रहा है, तो 18 / 6 आंसर कितना है? 3। काम खत्म हो गया, यही तो सब कुछ बताया मैंने, कोई दिक्कत है क्या?
तो ये मेरा एफबीडी था, बस यहाँ पे ध्यान में रखना दो ही फोर्सेस मैंने दो ही चीजें बताई थी, सिस्टम एंड इंटरनल फोर्स। ठीक है, आपको एक काइनेमेटिक्स से इजी लग रहा है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन? और दो तीन लेक्चर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे जाएंगे अपन, पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म कर देंगे और फिर कैलकुलस वाला पार्ट भी करते, तो कैलकुलस आपको देख के आना है फटाफट। अभी होमवर्क क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, फटाफट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है मुझे n1, n2 एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मेरा एक एग्जांपल वन हो गया। ठीक है, मतलब नंबर वन हो गया। फटाफट लिखते जाओ तुम लोग, फटाफट लिखते जाओ जो मैं दे रहा हूं। माइक चल रहा है, माइक बंद कर लो। ये टेंशन टी ए, एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, एग्जांपल टू लिखो, फटाफट ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, 45 न्यूटन से मैंने ऊपर लेके गया, ये देखो ये अच्छी इसमें ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टेंशन और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो टेंशन एक्सेलरेशन जो भी मेरा येलो वाला सब चीज है वो मेरा वो है, अब थोड़ा सा मैं अलग दे रहा हूँ। सबमिट कब करना? ये सबमिट, देखो ये सबमिट आपको ना मतलब आज और कल में इसको सॉल्व करना है, तो आपको संडे को सबमिट करना है। संडे को सबमिट करोगे तो ये आपको समझ में आएगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, गाइस ध्यान में रखना। मैं तो बोलता हूँ कि आज के आज खत्म कर लो यार, जैसी हो जाएगा लेक्चर खत्म, आज टाइम है ना, खत्म कर दो। डेकोरेशन करना है। यस सर। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या बोलो, खत्म तो करो ना। गणपति है नहीं, लेकिन आज की आज कर लो ना, मतलब दिमाग में रहेगा यार तुम्हारे। अभी अभी करो, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आधे घंटे में कर लो खत्म। आप बिठाते हो क्या सर गणपति? नहीं, अभी हमारे सोसाइटी में। ठीक है, किसी का माइक चल रहा है, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो गाइस। ये लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर बोलो बोलो। थर्ड क्वेश्चन में वो अपने 45 न्यूटन वाला क्वेश्चन में स्ट्रिंग मेथड है वो। हाँ ये स्ट्रिंग है ना, ये ना ओके हाँ, ये स्ट्रिंग है, टेंशन है वो स्ट्रिंग। हाँ टेंशन है वो इधर, हाँ। वो है, और ये वाला जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। बोलो। तो मुझे एक डाउट है, मतलब मैं एच सी वर्मा की मैं टेंशन स्ट्रिंग का मैं पढ़ रहा था आज, तो उसमें एक पार्ट में उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ऐसा दिया है कि स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन लिया एक पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए से नीचे भी टेंशन कंसीडर किया। हाँ, हाँ, मैं वैसे टाइप की क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। ओके, उसके टेस्ट में भी उस टाइप का आया था। नहीं नहीं, वो तो मतलब देखो टेंशन में मतलब वो तो ठीक है, वो तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो ठीक है, वो टेस्ट वाला क्वेश्चन से वो भी वो कराएंगे, पहले तुम एक ये वाला कर लो।
ठीक है। अभी और थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड जब हो जाएगा ना लेक्चर मेरा, थर्ड तीसरा लेक्चर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का हो जाएगा ना, तो मोस्ट ऑफ डाउट सबके क्लियर हो जाएंगे। सर फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है लिखा नहीं आपने? एक्सेलरेशन एंड एक्शन फाइंड आउट करना, कहीं पे भी होगा ऊपर या नीचे कहां पे होगा आपको निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन, इधर भी फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। इसमें फोर्स नहीं दिया मैंने, देखो मैं फोर्स देता हूं, मैं लिख रहा था है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे 40√2 न्यूटन फोर्स है, सुनो इधर फोर्स कितना है 40√2 न्यूटन है, यहाँ पे फोर्स कितना है 4 न्यूटन है, एंगल 45 डिग्री पे, टेंशन टी है। तो ये जो होमवर्क है ना गाइस, ये मुझे फटाफट आपको करना है, ठीक है, ये फटाफट आपको करना है, और एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है ये तो करने ही है, एचसी वर्मा के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको सोल्व करके सबमिट करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एचसी वर्मा के क्वेश्चन लिखता हूं, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। एचसी वर्मा के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7, ठीक है, 11, 12, 13 एंड 14, बस ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं, पेज नंबर पेज नंबर 79, पेज 79, ठीक है। इसका फोटो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और मेरे को भी भेज के रखो होमवर्क। ओके सर, ठीक है, ये होमवर्क है। और ये होमवर्क कब तक सबमिट करना है आपको? संडे। तो आज ही, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि आज के आज ही खत्म कर लो इसको, ठीक है। ओके सर, विशाल सर को सबमिट। हाँ हाँ सर, उसका पीडीएफ बनाना है ना? हाँ पीडीएफ, अरे पीडीएफ मतलब यार तुम कैम स्कैनर से बनाओ ना, कैम स्कैनर एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करो यार, हो गया काम, ठीक है। मतलब पीडीएफ में अच्छा रहेगा, फोटोज में भी चल जाएगा, कैम स्कैनर तो चाइना है, कैम स्कैनर बैन हो गया सर, कैम स्कैनर बैन हो गया, बैन हो गया, मेरे भी तो चल रहा है, और कोई दूसरा डाउनलोड करना, अनइंस्टॉल नहीं करेगा। हां आपने अनइंस्टॉल कर दिया, एडोब का है, एडोब स्कैन करके सर, एडोब चाइना ही है, एडोब स्कैन करके है शायद, एडोब स्कैन करके। हाँ हाँ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज्यादा बेटर है, उसमें साइज भी बहुत कम रिड्यूस, मतलब ये छोटा करके होता है, कंप्रेस होता है उसमें साइज। ठीक है ठीक है, देख लो तुम लोग, मैं तुम्हारे हिसाब से करो यार, तुमको हमसे ज्यादा पता है अभी। ज़ूम ऐप भी चाइना ही है। हाँ ज़ूम भी चाइनीज, क्या होगा, ज़ूम भी चाइनीज अभी है क्या? चाइनीज चाइनीज नहीं, चाइनीज अमेरिकन है। अरे सुनो यार, ये तो अभी अभी पॉलिटिकल नखरे, चाइना बिना कुछ बैन नहीं होने वाला। तुम मुझे बताओ एक बात, हर एक चीज हम चाइना का यूज करते हैं, वन प्लस में यूज करो चाइना का, ऑलमोस्ट एवरीथिंग चाइना का, और मैन्युफैक्चरिंग कभी अपने यहाँ पे बनी नहीं सकती, समझ रहे हो, इंडिया में कभी मैन्युफैक्चरिंग बनी नहीं सकती, क्योंकि कॉस्ट हो तुमको बाद में, मतलब तुमको पता नहीं सब, ये चाइना ताइवान विवाह सब उधर ही बनता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलो अभी ये फटाफट कर लो और भेज दो, चलो बाय गाइस। Bye sir. Bye sir. Thank you. Bye sir. Bye sir. Have a nice day, sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir. All the best, sir. Bye bye. Thank you. Bye.